नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टॉक लाइव में। हमने पिछली बार आपको दिखाया था मुंबई के वार्ड नंबर 11 का हाल कि वहां पर क्या कुछ विकास के काम हुए हैं, नगर सेवक सुनता है या नहीं सुनता है। इसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं मुंबई के बोरीवली इलाके के वार्ड नंबर 12 में। आइए आपको दिखाते हैं कि इस इलाके में कितना काम हुआ, विकास की स्थिति क्या है, इसी को दिखाती हमारी यह है खास रिपोर्ट। टूटी गलियां, कचरों से भरी नालियां, मोबाइल टावर जान के दुश्मन, फिर भी नगर सेविका का बयान, काम ही है हमारी पहचान। मुंबई के 11 वार्डों की जांच के बाद जब हम मुंबई के बोरीवली इलाके के वार्ड नंबर 12 में पहुंचे तो स्थिति कमोबेश अन्य वार्डों की तरह ही नजर आई। यहां कुछ कामों की शुरुआत जरूर हुई है लेकिन उसकी रफ्तार धीमी और ढीली है। मूलभूत सुविधाओं की कमी से जनता नाराज और परेशान भी है। यहां से शिवसेना की टिकट पर पहली बार चुनाव जीती नगर सेविका गीता सिंगन का दावा है कि उन्होंने पहले के नगर सेवकों के मुकाबले तेजी से विकास कामों की शुरुआत की है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं नगर सेविका का बयान और उनके विकास के दावे। माझ्या वॉर्डमध्ये बरीचशी कामं झालेली आहेत, म्हणजे आता 4 मोठे रस्ते घेतलेत। एक तर खांडेकर मार्ग हा सुविधाचा एक रोड आहे आणि 3 मूर्तीमधला रूपवते नगरचा एक रोड आहे, टाटा पॉवरचा एक आहे, जय महाराज नगरचा एक रोड आहे। असे 4 रोड मोठे मी घेतलेत, प्लस आता 36 ठिकाणी लाधिकरण, पायवाटा, गटर दुरुस्ती ह्याची कामं केली आहेत। त्याचप्रमाणे आम्ही पाण्याची पण बरेचसे कनेक्शन्स जोडून दिले आहेत, 2-inch लाईन्समधून बरेचसे कनेक्शन जोडून दिले आहेत। अशा प्रकारे माझी खूप चांगल्या पद्धतीने कामं चालू आहेत। जे गेल्या वेळच्या नगरसेविकेने म्हणजे तिने म्हणतात ना नगरसेवक निधीसुद्धा वापरला नाही, नगरसेवक निधीसुद्धा तिचा मागे जात होता। आज मी या वॉर्डसाठी खूप सारा निधी आणला आहे आणि खूप छान पद्धतीने माझं काम चालू आहे आणि ह्याच्यासाठी मी माझं सगळं श्रेय माझ्या वोटर्सना देईन। लेकिन इन दावों का दूसरा पहलू कुछ और ही है। कई इलाकों में टूटी फूटी गलियां और कचरे की समस्या काफी गंभीर बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद इनका कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। यह है इंदिरा नगर का इलाका जहां मोबाइल कंपनियों के लगे हुए बड़े बड़े टावर यहां की रहने वाली जनता की जिंदगियों के दुश्मन बन गए हैं। इन गगनचुंबी टावरों से निकलने वाली रेडिएशन यहां के लोगों में बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन रही है, जिससे यहां की जनता काफी परेशान और डरी हुई है। हम गरीब लोग है, इसका इलाज करने का इसको निकालना बस। कितने लोग इधर बीमारों का बहुत जन है, नहीं नहीं बोलोगे तो 10-12-15 दिन निकलता है। किस तरह की बीमारियाँ होती है? तो कै पाँव पकड़ता है, कुछ दमा आता है, कुछ किडनी खराब होता है, क्या कैंसर हो रहा है, टीबी हो रहा है, और क्या है बोल देगा बेटा। इसमें इतना पूरा ये टावर के लिए सब हमारा गरीब का पास टावर लगाने का रहता है क्या? जो आप लोग भाई साहब जो टावर ये लगा हुआ है ना, तो इस टावर की वजह से जो है वायु प्रदूषण हो रहा है। कितने लोग, किसी को मतलब लकवा हो जा रहा है, किसी को टीबी हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है। और मैं तो चाहती हूँ कि इस टावर को यहाँ से बहुत जल्दी से जल्दी निकाली। कितने लोग मर भी गए, हमसे कमी नहीं हो रहे, बहुत पैसा डाल रहे, मैं मेरा बच्चा मैं बहुत थक गया इसमें। ये टावर यहाँ पे नहीं रहने का, इतना ही हमको, हमारा बाजू वाला भी बीमार है, हम भी बीमार है, बच्चे लोग बीमार, सब लोग बीमार, रोजी रोटी कमाने वाला एक पैसा नहीं रहता हमारे पास। कितना प्रॉब्लम हो रहा है टावर की वजह से, कितने लोग बीमार? टावर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हमारा बात कोई नहीं सुन रहे, हम लोग गरीब लोग है, हमको कोई नहीं साथ दे रहे, इसको निकाल देने का, कुछ रखने का नहीं है। इसके लिए आप लोगों ने काफी कंप्लेन की होगी? नहीं नहीं, कोई कंप्लेन हमारे नहीं ले रहे ना, खाए भी गए तो भी हमारे नहीं चल रहे, उतना हम लोग गरीब लोग है, हमारा बात ही कोई काम में नहीं डाल रहे, तो क्या करने का, अभी मजबूर से हम लोग ने ये काम कर रहे हैं। अभी किधर भी जाएगा कंप्लेन कोई सुन नहीं रहा है और कुछ भी इधर ठीक नहीं है। अभी ज़्यादा में ज़्यादा जन हॉस्पिटल में ही है इधर से, साली में से। किस तरह की बीमारियाँ हो रही है? ये बीमारी समझ लो ना, श्वास का बीमारी हो रहा है, किसी का दम घुट रहा है और सर दुख रहा है, ऐसा सब बीमारी चालू ही रहता है। और अभी एक इधर है मेरा फरसा भाई करके, उसको अटैक भी 2-3 आ गया, उसके वजह से ये सब इसका घर वाला है, उसका कितनी भी फेल हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे भी मेरे को बहुत बड़ा तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल भी है,
तो अभी टावर की वजह धूप का टाइम आ रहा है ना, तो धूप का टाइम आ जाएगा ना, बहुत गर्मी हो रहा है टावर की वजह से। गर्मी एक ही नहीं, बच्चे लोग को कौन सा भी बीमारी पड़ जाते जल्दी जल्दी। कि यहाँ पे हमें टावर जो डाला है, यहाँ पे अभी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। किसी की किडनी फेल हो गई है, किसी को दमा हो गई है, किसी को टीबी हो गई है। हम ये लोग गरीब, हम लोग बर्तन मांज के हम लोग पैसे कमाने वाले, इतना हॉस्पिटल कितना बार भागेंगे हम लोग। हमने नगर जो से लेटर दिया, बीएमसी में लेटर दिया, आमदार के पास भी गया, कोई हमें कोई भी कोई रीज़न बता नहीं रही। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द ये टावर निकल दे। और नगर सेवक से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो? हमने कई बार नगर सेवक, आप इतना सोचो, यहाँ से झिंके आई है, एक मामूली लादी ने लगाई है, वो टावर कभी निकालेगी? वो कभी निकालेगी? हम भी कितना दौड़ने गए उसके पास, नगर सेवक के पास गए, आमदार के पास गए, बीएमसी में लेटर दिया, हमने कई बार कोशिश किया, हमारी कोशिश बस ऐसे पानी की तरह बात है चला जा रहा है। उनकी कोशिश एक भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर दिखा रहे तो हम लोग बोल देते, हमको थोड़ी शौक था कि नगर सेवक का नाम खराब करने के लिए। वो लोग बोलते कि जगह हमारा है, ये हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे। और वहाँ पे जो रूम छोड़ के, रूम को भी दुकान बना डाला, उसके सामने पार्किंग करते हैं। और जो मंदिर का जगह है उसके ऊपर भी वो लोग बाइक बीक सब खड़ा करके गैरेज बना डाला है। वो मंदिर के सामने से सब गाड़ी आती है। तो कुछ भी कार्यक्रम करना हुआ हमें, जैसे कि 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, और नवरात्रि में मेन बहुत बड़ी बात दिक्कत हमें नवरात्रि में होती है, 9 दिनों में पूरा। तो 9 दिनों में हमें पूरा 9 दिन तक वो गाड़ी हटाना पड़ती है, रोज़ गाड़ी लगती है, रोज़ गाड़ी निकालना पड़ता है, रोज़ लगती है, रोज़ निकालना पड़ता है। मैं नगर सेवक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो भी गाड़ी खड़ी होते हैं, हमें वो मंदिर के सामने का जो भी पार्किंग है वो बंद करके दे, बस। वहीं इस बात पर नगर सेविका गीता सिंगर का कहना है कि मोबाइल टावरों से परेशान जनता की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने इस बारे में महानगर पालिका के कई आला अफसरों से बातचीत कर ली है, जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए मैंने वार्ड ऑफिसर के पास वो लेटर भी दिया है और उनका कार्रवाई होने वाला है। तो अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले ही हमारे जो राव साहब हैं वो मीन्स उन्होंने दूसरी जगह उनकी ट्रांसफ़र हो गई है और मेरे यहाँ नए अभी वार्ड ऑफिसर आए हैं, तो मुझे वो पूरा डिटेल्स उनको फिर से बताना पड़ेगा। और जो इंदिरा नगर का टावर है वो, उसके लिए मैं प्रयत्न कर रही हूँ कि वो निकल जाए और उनके वहाँ पर नहीं रहे। और वो रोड भी हमको वाइंडिंग करना है, बड़ा रोड करना है, तो ये सब उधर का भी चालू है। उधर का पानी का थोड़ा सा समस्या है, वो भी मैं सॉल्व करना मिस करने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिरकार चुनाव के समय जब नगर सेवक वादा करते हैं तो चुनाव के बाद वादा खिलाफी क्यों कर जाते हैं? इसका जवाब किसी जनप्रतिनिधि के पास नहीं होता है और जनता सिर्फ अपने सवालों के जवाब के इंतजार में बैठी रह जाती है। न्यूज़ टॉक लाइव के लिए अरविंद यादव की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई के वार्ड नंबर 12 की रिपोर्ट, वहां पर क्या है सूरत हाल। अगली बार फिर हाजिर होंगे मुंबई के वार्ड नंबर 13 की रिपोर्ट के साथ। अगर आपके इलाके में भी नगर सेवक नहीं सुनता है तो आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपनी समस्याओं से हमको अवगत करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप हमको सूचना दे सकते हैं। आप हमको मेल के जरिए भी बता सकते हैं कि समस्या क्या है। लेकिन हमारी इस मुहिम से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर हाजिर होंगे एक नई वार्ड की नई रिपोर्ट के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़स्टॉक लाइव। नमस्कार। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। Global advertiser for innovative outdoor solutions.